हेलो एवरीवन, V2 एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि जेई मेन 2024 के सिलेबस को रिड्यूस किया जा चुका है, उसमें से कई सारे ऐसे चैप्टर हैं जिसे फाइनली हटाया जा चुका है, यानी कि अब वो सभी चैप्टर जेई मेन के एग्जामिनेशन में नहीं आएंगे। उसके बाद में आप सभी बच्चों के काफ़ी ज़्यादा कमेंट हमारे पास आने लगे कि क्या भैया जेई मेन के सिलेबस रिड्यूस होने के बाद क्या इसका इफेक्ट जेई मेन के कट ऑफ पे पड़ेगा, कट ऑफ क्या कुछ जा सकता है, अगर हमें एक NIT में CSE ब्रांच चाहिए तो हमें कितना मार्क्स तक लेकर के आना पड़ेगा, कौन से NIT के लिए क्या मार्क्स तक हमें टारगेट करके चलना चाहिए, उसके बाद में अगर हमें जेई मेन क्वालिफाई करके एडवांस में अपीयर होना है तो उसके लिए हमें कितना मार्क्स तक लेकर के आना पड़ेगा, ये सारे डाउट आज के इस वीडियो में आपका क्लियर हो जाएगा। पूरे ध्यान से देखिएगा, एक एक डाउट आपके मन से क्लियर हो जाएगा। लेकिन उससे पहले आप सभी से एक प्यारा सा रिक्वेस्ट है कि जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। फायदा क्या होगा कि आने वाली जो भी वीडियो है, अभी सारे NIT का, जितने भी NIT हैं टोटल इंडिया में, सभी के रिव्यू आने वाली है, कंप्लीट रिव्यू, जो कि अभी तक यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं है, IIT के कंप्लीट रिव्यू आने वाली है। सो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ठीक है। और उसके साथ ही नवंबर के एंड तक हमारा टारगेट है 1,10,000 सब्सक्राइबर, 110 के, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ लगभग 3,000 सब्सक्राइबर बच रहा है, तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। तो उसके बाद एक हम लोग गिव अवे करने वाले हैं, बहुत सारे बुक्स आपको मिलेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का, ठीक है। वो गिव अवे के लिए जल्दी से, जितना जल्दी सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएगा उतना ही जल्दी हम लोग गिव अवे कर देंगे। देखो, कट ऑफ को एनालाइज करने का सबसे अच्छा तरीका है, सबसे पहले आपको 4-5 सालों के कट ऑफ को पूरी ध्यान से केयरफुली देखना चाहिए, उसके बाद में इस साल के कंडीशन के हिसाब से आपको समझना पड़ेगा कि इस साल का कंडीशन क्या है, कितने बच्चे अपीयर होंगे एग्जामिनेशन में और क्या कुछ सीन हो सकता है। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं 2023 का, 2023 का। अगर हम 2023 के कट ऑफ को लेकर बात करें तो यहां पर आप देख सकते हैं ये सारे परसेंटाइल में लिखा हुआ है। जो बच्चा 2023 में जनरल कैटेगरी से 90.77888642 परसेंटाइल लेकर के आ रहा है, वो बच्चा क्वालिफाई है जेई मेन और जेई एडवांस में बैठने के लिए, एलिजिबल है। वहीं EWS कैटेगरी का 75.62, OBC का 73.61, SC का 51.97 और ST का 37.23 और जो जनरल PWD कैटेगरी उसका 0.0013527। ये आपका हो गया, अगर इतने परसेंटाइल मार्क्स लेकर के आ रहा है बच्चा 2023 में, अलग अलग कैटेगरी के बच्चे, तो वो जेई मेन क्वालिफाई कर रहा है और जेई एडवांस में बैठने के लिए एलिजिबल हो रहा है। जबकि वही 2022 में थोड़ा सा कंपटीशन कम था, बच्चा कम अपीयर हुआ, तो भाई कट ऑफ भी देखो कम गया था उस समय, ठीक है। यानी कि जो बच्चा 23 में 90% लाना पड़ रहा है, वही बच्चा को 2022 में 88% लाना पड़ रहा था। जो बच्चा को EWS कैटेगरी से 75% लाना पड़ रहा है 2023 में, वही बच्चा को 63% लाना पड़ रहा है 2022 में। तो आपके यहां पे देख सकते हैं, देखो इस बार बच्चा भी अपियर ज्यादा होगा। पिछले साल यदि 11,30,000 बच्चा अपियर हुआ है, तो इस बार कम से कम आप 13,00,000 बच्चा मिनिमम मान के चलो कि 13,00,000 बच्चा अपियर होगा। इस वजह से भाई सबसे पहले इस बार सिलेबस जो आपके हैं वो भी रिड्यूस्ड हुए हैं और साथ में नंबर ऑफ अपियर्ड स्टूडेंट भी बढ़ेगा, तो भाई कंपटीशन भी बढ़ेगा, और कंपटीशन बढ़ेगा तो भाई कट ऑफ बढ़ना ही बढ़ना है। कितना कट ऑफ रहेगा यह भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आप सभी को एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दूं, PW आप सभी के लिए इस बार दीपावली के अवसर पर ढेर सारे ऑफर लेकर के आए हैं। बैचेज में बम्पर डिस्काउंट आपको मिल रहा है, अलग पांडे सर की तरफ से आपके लिए कई सारी खुशखबरी है। आप यहाँ पे साफ साफ देख सकते हैं, ये 5 बैचेज आपको दिखाया गया है, सारे जेई के बैचेज है और जिसमें बम्पर डिस्काउंट है। जो बैच पहले 3600 का था वो बैच आपको 2500 में मिलेगा, जो बैच पहले 3000 का था वो बैच आपको 1700 में मिल रहा है, जो बैच 3000 का था वो 2100 में आपको मिल रहा है। कौन कौन से बैच है, सबसे पहला जेई अल्टीमेट बैच, क्रैश कोर्स जेई मेन एंड एडवांस 2024 जो कि आपको 2100 में मिल रहा है। कोड अगर आप यूज करेंगे वायरल 150 तो आपको इंस्टेंट 150 का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। साथ में क्लास 12 के 2024 के लक्ष्य जेई फास्ट ट्रैक बैच आपको 2500 में मिल रहा है, जो कि पहले 3600 में मिल रहा था, ठीक है। उसके बाद में साथ में जो बच्चे ड्रॉपर हैं उनके लिए प्रयास जेई फास्ट ट्रैक बैच 2500 में मिल रहा है। साथ में जिसका 11th अभी कमजोर है वो क्लास 11th का अर्जुना 4.0 ज्वाइन कर लीजिए भाई, 2500 में आपको मिल जाएगा, साथ में इंस्टेंट 150 का डिस्काउंट भी आपको मिलेगा, ठीक है। और एक और बैच मैं आपको बता दूं, CUET साइंस प्लस 12th बोर्ड का जो बच्चा है, CBSE जो भी पढ़ रहा है और आने वाले टाइम में CUET देना चाहता है, वो बच्चा इस बैच को ज्वाइन कर ले 1700 में, 1700 में आपको बैच मिलेगा, जिसमें भी
कोड यूज करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट तो मिलेगा ही मिलेगा। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर के अभी आप लोग ज्वाइन कर लीजिए बैच को। तो अब तक तो आपने देखा 2022 और 2023 का कट ऑफ, 2021 में आप कहेंगे भैया थोड़ा सा कट ऑफ यहाँ पे हाई कैसे चला गया। भाई इस साल 4 बार आपके एग्जामिनेशन हुए थे, 4 अटेम्प्ट हुआ था, ठीक है, इस वजह से थोड़ा सा कट ऑफ यहाँ पे हाई गया था। लेकिन लास्ट के 2 साल से साफ साफ आपको पता चलता है कि जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ेगा भाई कट ऑफ भी बढ़ेगा। इस बार जो बच्चा देख रहे होंगे कि जेईई मेन क्वालिफाई करने के लिए कितना मार्क्स चाहिए, तो कम से कम आपको 91 परसेंटाइल भाई लेकर के आना पड़ेगा अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो, ठीक है। अगर आप जनरल EWS से हैं, देखो सिलेबस का बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, सिलेबस तो सभी के लिए बराबर है ना, ऐसा थोड़ी कि कट ऑफ बहुत हाई चला जाएगा, ऐसा नहीं होगा। लेकिन हाँ कंपटीशन जो आपके होंगे वो थोड़ा सा इफेक्ट यहाँ पे पड़ेगा, तो आप इसे 77 परसेंटाइल मान के चलिए, ठीक है, अगर आप EWS कैटेगरी से। तो अगर आप OBC से हैं तो आप 75 के अप्रोक्स मान सकते हैं, वहीं SC कैटेगरी से यदि आप हैं तो 50 परसेंटाइल लेकर के चलिए, और ST कैटेगरी वाले बच्चे लगभग 38 परसेंटाइल आप लेकर के चलिए, और वहीं PWD वाले बच्चे under 1, ठीक है, under 1 आप इसे मान करके चलिए। इतने परसेंटाइल यदि आपके आते हैं तो आप जेईई मेन क्वालिफाई कर जाएंगे और आप एडवांस में बैठने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। लेकिन आपका सबसे बड़ा सवाल होगा, भैया मुझे तो NIT में जाना है, NIT में जाने के लिए मिनिमम कितना मार्क्स हम टारगेट करें। देखो अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो कम से कम भी कितना भी रॉस्ट सिचुएशन आपके सामने आ जाए तो आपको कम से कम 180 मार्क्स लेकर के आना पड़ेगा आउट ऑफ 300, ठीक है, जिससे कि आपको एक अच्छे NIT में CSE मिल जाए। अगर टॉप के NIT में CSE चाहते हो जैसे त्रिची, बारंगल, सूरत कल, तो भाई इतना में काम नहीं चलेगा। अगर उसमें CSE चाहिए तो कम से कम आपके 240 नंबर 250 नंबर चाहिए, ऐसे मार्क्स आपको लेकर के आने पड़ेंगे टॉप NIT में CSE के लिए। लेकिन अगर आपके 180 मार्क्स बनते हैं तो लोअर NIT जो आपका है वहां पे आपको CSE मिल जाएगा। EWS कैटेगरी से यदि आपको NIT में एंट्री चाहिए तो कम से कम आपको 170 प्लस मार्क्स लेकर के आना पड़ेगा एंट्री के लिए सिर्फ, ठीक है। उसके बाद में OBC कैटेगरी का भी आप सेम मान के चलो 170 मार्क्स, SC कैटेगरी का लगभग आपके 160 प्लस चाहिए, वहीं ST कैटेगरी का लगभग 150 प्लस चाहिए, ठीक है। 150 प्लस यदि SC कैटेगरी वाला बच्चा कर जाता है, ST कैटेगरी वाला, तो वो NIT के लिए एलिजिबल हो जाएगा, ठीक है। वहीं PWD वाला बच्चा लगभग इसमें आप कह सकते हैं कि भाई कभी कभी तो 10 परसेंटाइल पर भी PWD कैटेगरी में NIT पटना में CSE मिला है, 2022 की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। 2023 में भी बहुत कम परसेंटाइल होने पर भी कई सारे बच्चों को अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिला है। तो आप फिर भी टारगेट करो भाई कि कम से कम 100 प्लस तो आप लेकर के आओ ही आओ। अगर आप PWD कैंडिडेट के बच्चे हो तो 100 प्लस करने पर आपको जो है NIT में एंट्री मिल जाता है, ठीक है। NIT में एंट्री ही नहीं बल्कि वहां पे CSE भी आपको मिल सकता है, इस बात का आप ध्यान रखना, ठीक है। बाकी बहुत अच्छे NIT में त्रिची, वारंगल में बहुत कम सीटें होती है PWD के लिए, तो इसी वजह से थोड़ा सा वहां पे कट ऑफ ज्यादा जा सकता है। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा नीचे वाला NIT चाहिए तो 100 प्लस मार्क्स पर भी आपको मिल जाएगा। बाकी कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। साथ ही डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक प्रोवाइड किया है उस बैचेस का, फिजिक्स वाला का बैच जो है, कोड यूज करना है viral150, ठीक है, जिससे कि आपको इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। कितने का? 150 रुपीज का। चलिए मिलते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, एक एक अपडेट आपको सबसे पहले यहां पर प्रोवाइड की जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।